हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू योर फेवरेट शो आरोग्य मंत्र आफ्टर द ब्रेक डॉक्टर साहब हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं नमस्कार जी हेलो हाँ जी अपना नाम बताइए नाम मेरा दुबे है मध्य प्रदेश सागर से बोल रही हूँ अच्छा पूछिए डॉक्टर साहब से अपना सवाल जी जी नमस्ते डॉक्टर साहब नमस्कार जी बताइए क्या हाल चाल हाल सर बढ़िया है सर मैं ये पूछना चाह रही थी जी की मेरा बेटा अठारह साल का है जी और उसका वेट एक सौ चौबीस के जी है उसको हाँ, थायराइड की प्रॉब्लम है साथ में उसका इंसुलिन बढ़ा हुआ है ओहो तो, तो परिवार में किसी को और तकलीफ है कि किसी हाँ, कोई... की प्रॉब्लम तो इसके पापा को है अच्छा पर इसका इंसुलिन काफी बड़ा है और वेट इसका मतलब जैसे ये थायराइड का भी 125 एमजी रेगुलर ले रहा है और अपना इंसुलिन के लिए सीटा भी एक हजार एम दोनों टाइम लेता है अच्छा और इसका वेट कम नहीं होता है और इसको भूख बहुत ज्यादा अचानक से लगती है जी तो इसके लिए क्या करें कि इसका करेंग भी कम इसका भी कम हो हो जाए जाए इसका इंसुलिन भी देखो सबसे पहले तो आयुर्वेद की दृष्टि से अगर चिकित्सा करेंगे तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है कि जो चैनल्स बॉडी के उनको साफ करना है अच्छा। यानी कि शोधन क्रिया इसमें हमें जरूर करनी पड़ेगी सबसे पहले शोधन करने से कई चीजों पर फर्क पड़ता है टॉक्सिन बाहर निकलते हैं दूसरा क्योंकि दोनों ही सिस्टम जो है हार्मोन से जुड़े हुए हैं थायराइड भी और उधर इंसुलिन का भी जो है हार्मोन है वो भी एक प्रकार का तो उसमें कहीं ना कहीं बच्चे को हमें थोड़ा सूक्ष्म लेवल पर माइंड के लेवल पर भी थोड़ी उससे बातचीत करनी पड़ेगी काउंसलिंग करनी पड़ेगी और कुछ ऐसी औषधियाँ भी देनी पड़ेंगी जो मेध्य रसायन जिनको हम कहते हैं जैसे ब्राह्मी है शंखपुष्पी है तो इस तरह से मेरा एक दिमाग में जो अभी आपने दो तीन चीज़ें कही उसको सुनकर तो मेरे दिमाग में यही एक जो है उत्तर आता है लेकिन क्योंकि रोग थोड़ा मल्टी मल्टी रोग हैं कई प्रकार के रोग हैं तो मेरा निवेदन आपसे ये है कि थोड़ा सा अगर एक परामर्श प्रॉपर हो कंसल्टेशन इसका 20-25 मिनट आधा घंटा उसका खान पान उसका लाइफ स्टाइल उसके माइंड के बारे में उसका जो है मोशन कैसा होता है सब चीज़ के बारे में हमारे डॉक्टर्स आपसे बात करते हैं तो वो समझ करके किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको मैं थोड़ा सा एक नुस्खा बताना चाहता हूँ जो आप अभी आज से शुरू करें तो बहुत उसको फ़ायदा होगा एक लीटर पानी आप सुबह ले लें और उसमें एक चम्मच मेथी एक चम्मच जीरा एक चम्मच धनिया और एक चम्मच सौंफ दोबारा से बोलता हूं जीरा मेथी धनिया सौंफ एक एक चम्मच एक लीटर पानी में डाल के उबाल लें अच्छी तरह से और जब अच्छी तरह उबल जाए उसको छान करके एक गरम जो थर्मस जिसमें गरम रहे वो थर्मस में उसको भर लें दिन में वो दिन में उसको दिन में दो तीन बार एक एक कप करके उसको पीता रहे तो उससे क्या है शुद्धि शुरू होगी उसकी स्रोत शुद्धि इससे शुरू होगी अग्नि प्रदीप्त तो होगी भोजन जो है वो पचेगा प्रॉपर आम नहीं बनेगा ब्लॉकेज फर्दर नहीं होगी इतना काम जरूर करें साथ में थोड़ा वो रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करें क्योंकि वजन बहुत ज्यादा है अगर वो बैठा रहेगा और खाता रहेगा तो और वजन बढ़ेगा और भोजन में उसको लाइट खाना दीजिए भूख लगती है तो कोई बात नहीं भूख के अनुसार उसको दीजिए लेकिन घिया तोरी टिंडा मूंग की दाल पोहा उपमा ऐसी चीजें उसको दीजिए बहुत गरिष्ठ भोजन या बहुत कार्बोहाइड्रेट की मात्रा या बहुत ज्यादा जो है तली हुई चीजें ऐसी चीज़ें या फैट वाली चीजें उसको मत दीजिए ठीक है जी तो मैं आशा करती हूँ धन्यवाद जी डॉक्टर साहब तो और जो हमारे पास प्रश्न आए हैं हमारे दर्शकों के उनमें से एक प्रश्न है कि क्या चवनप्राश का सेवन गर्मियों में कर सकते हैं देखिए ये बड़ा कॉमन सा प्रश्न है लोग मेरे को भी कई बार कहते हैं जी गर्मी में खाएंगे तो बहुत गर्मी बढ़ जाएगी जो पित्त प्रकृति के लोग हैं उनको डेफिनेटली थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है गर्मी का ऐसा नहीं कि उसकी कोई ताशीर गर्म होती है हीट बॉडी में एनर्जी पैदा करता है लेकिन अगर आम देख अगर आप उसका कंस्टिट्यूएंट देखें तो मुख्य रूप से तो उसमें आंवला ही होता है और आंवला तो शीत शीतवेरीय होता है लेकिन क्योंकि उसमें कई औषधियों का और उसमें जो है प्रभाव है और फिर ऊपर से हम कुछ प्रक्षेप द्रव्य डालते हैं तो थोड़ा सा हम कहते हैं कि एक बॉडी में वो एनर्जी पैदा करता है थोड़ी सी बॉडी में हीट पैदा करता है लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि वो आपके पित्त को बढ़ा देगा ऐसा मैं नहीं मानता तो अगर थोड़ी मात्रा में अपनी प्रकृति के अनुसार आप सेवन करें तो खा सकते हैं हमारे यहाँ तो बहुत सारे पेशेंट हैं ऐसे

कई बार मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा कभी लोग दे देते हैं कि थोड़ा विदेशों में खासतौर पर जब जाते हैं तो वहाँ मिठाई होती नहीं है वहाँ लोग चॉकलेट ही देते हैं लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती उसको मुझे मुझे तो बल्कि कड़वी लगती है थोड़ी चॉकलेट तो वो टेस्ट डेवलप करने पर होता है बल्कि च्यवनप्राश का टेस्ट तो मैं कहता हूँ बड़ा हम हमने तो जो जीवा में जो हम चवनप्राश बनाते हैं तो बच्चे भी खाते हैं उसको बड़े शौक से खाते हैं बड़ा कहते हैं बड़ा टेस्टी है क्योंकि आंवला ही है आंवले का हम तो उसको कई बार आंवला जैम भी बोल देते हैं कि आंवले का जैम बनाया हमने जैसे लोग जैम बनाते हैं फ्रूट जैम बनाते हैं तो टेस्ट तो अच्छा होता है लेकिन अगर आपने पहले से सोच लिया है कि क्या है ये क्या काला काला सा पेस्ट दे रहे हैं मुझे खाने के लिए तो फिर जब खाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा तो थोड़ा सा चेंज करो माइंड को कि जब आप खा रहे हैं तो पहले से माइंड को सोचो कि बड़ा टेस्टी चीज़ है और जैसा मैंने बताया कि टेस्ट जब डेवलप हो जाएगा तो आपको वो चीज़ भी अच्छी लगने लगती है कई बार हम कई नई चीज़ें खाते हैं आप कोई विदेशी मिठाई खाएं या कोई विदेशी भोजन आप ऐसा खाएं या कोई ऐसी चीज़ खाएं जो आपने पहली बार खाई है तो हो सकता है वो आपको उतने टेस्टी ना लगे लेकिन जैसे जैसे आप उसको अभ्यास में लाएंगे तो टेस्टी लगने जी डॉक्टर साहब और क्योंकि बात टेस्ट की हो रही है तो यहाँ पर मैं भी बताना चाहूंगी कि मैं और मेरी पूरी फैमिली जीवा का चवन प्राश खाती है और वो बहुत ही टेस्टी है जिस तरीके से वो बनता है जिस विधि से वो बनता है फ्रेश आंवले से हैं बिल्कुल तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपने इतनी सारी नई नई बातें हमें चवनप्राश के बारे में हमारे शो में बताई थैंक यू सो मच शुक्रिया तो दोस्तों आज के शो के बाद आप कम से कम हमसे ये संकल्प जरूर करके जाएंगे कि आप आज से और अभी से कम से कम एक चम्मच चवनप्राश का सेवन जरूर करेंगे चाहे आप बच्चे हो बूढ़े हो या जवान हो चाहे हो सर्दी या गर्मी तो आज के लिए केवल इतना ही अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो चिंता ना करें हमारा नंबर आपके साथ है वो है जीरो वन टू नाइन फोर जीरो फोर जीरो फोर जीरो फोर हमारा ईमेल एड्रेस है इन्फो एट द रेट जीवा डॉट कॉम हमारी वेबसाइट है डब्ल्यू 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 डॉट जीवा डॉट कॉम आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और जीवा की मैगजीन परमायु को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं आशा करती आपको हमारा आज का कार्यक्रम जो कि था चवन प्राश के बारे में बहुत पसंद आया होगा हम आपके सामने हाजिर होंगे एक और नया दिलचस्प विषय लेके तब तक के लिए आप सुखी रहें, समृद्ध रहें और हमें दीजिए इजाजत नमस्कार